गुरु मंत्र जपने से 15 शक्तियां आपके अंदर की विकसित होती है, और अगर मंत्र में ओम है तो 19 शक्तियां ओमकार के जाप की जागृत होती है। आपका ये फिजिकल शरीर इतना ठोस नहीं है, फिजिकल जगत इतना ठोस नहीं है जितना आदि दैविक दुनिया ठोस है, और आदि दैविक से भी ज्यादा प्रभावित आध्यात्मिक तत्व है। भगवान के नाम का जप करने से आपके पांचों शरीरों में भगवत नाम से सात्विक वैवस बनते हैं, सात्विक ऊर्जा आती है। आपकी काया निरोग रखने में भगवत नाम की बड़ी सहायता है। विदेश के डॉक्टर अध्ययन करके हर्बर्ट बेंसन ने कहा कि आप प्रणव का जप करो और डॉक्टरों को दूर रखो। अभी विज्ञानियों की भाषा आप लोग जल्दी मानते हैं, लेकिन हमारे संतों ने तो हजारों लाखों वर्ष पहले कहा कि गुरु मंत्र जपने से 15 शक्तियां आपके अंदर की विकसित होती है, और अगर मंत्र में ओम है तो 19 शक्तियां ओमकार के जापक की जागृत होती है। अभी इतनी सारी पब्लिक आपने पहली बार इतनी शांत और इतनी भीड़ देखी होगी, देखो कहाँ तक पंडाल भर गया है। हम पहली बार ही तो आए हैं और इतने लोग आप और अपना तो से बैठे हैं। नेता लोग तो एक एक आदमी को 50-50 रुपये और फूड पैकेट देते हैं, तभी भी ऐसे बुद्धिमान लोगों को 10 जन्म में इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, और भगवान के नाम से आप ऐसे ही इकट्ठे हो। भगवान के नाम उच्चारण प्रणव उच्चारण से आपका अंतःकरण और पांचों शरीर तो पवन पावन होते हैं, लेकिन आपके उच्चारण से भुवन पावनी शक्ति के वैवस बिखरते हैं। दूसरा, सर्वव्याधि नाशिनी ओरा आपकी बनती है। तीसरा, सद्गुण है सर्व दुख हारिणी आपकी मनोभावना बनती है। और चौथा यह है कलिकाल भुजंग भय नाशिनी शक्ति। कलयुग के जो दोष हैं और कलयुग के दोषों से जो व्यक्ति जरा जरा बात में दुखी, जरा जरा बात में चिंतित, जरा जरा बात में परेशान, जरा जरा बात में भयभीत और मर कर न जाने कौन से नरक में जाएंगे। एक मियाँ बीमार था, मुल्ला को बुलाया, मुल्ला से प्रार्थना की कि आप खुदा से हमारे लिए कुछ अर्ज करिए, और मुल्ला को भेंट पूजा दी और खुदा ताला मैं तेरी आज्ञा पाल नहीं सका, मुझे बख्शना, मैं जैसा तैसा हूँ, तेरे कदमों में इबादत मेरी स्वीकार करना। ऐसा कहते कहते वो मरने वाला मियाँ कहता कि हे शैतान, मैं तुझसे क्षमा याचना करता हूँ, मैं तेरे से माफ़ी मांगता हूँ, मैं तेरे चरणों में सिर झुकाकर इबादत पेश करता हूँ, जैसा तैसा हूँ, तेरा हूँ। मुल्ला ने कहा ये क्या कर रहे हो। बोले मुल्ला, तुम तो पैसों के भगत, दक्षिणा के तुमको मिल गई, तुम फुटास की गोली लो, मरना मुझे है, क्या पता शैतान के हाथ जाता हूँ के अल्लाह के हाथ जाता हूँ, मेरे को दोनों से जरा दोस्ती कर लेने दे। व्यापारी लोग ऐसा नहीं करते, दोनों पार्टियों से हाथ मिलाए रखते हैं, छोटे छोटे नेता दोनों पार्टी वालों से अपना अंदर से सेटिंग करके रखते हैं, कोई भरोसा नहीं क्या हो जाए कैसा हो जाए। तो ये कलयुग का जो भय घुसा है, दोष रखा है, तो ये भगवान नाम जपने से कलिकाल भुजंग भय नाशिनी ऊर्जा पैदा होती है। मंत्र जाप करने वाले को पांचवी ओरा जागृत होती है, नरक को उद्धारणी शक्ति। आपने गुरु मंत्र लिया है, जिस माला पे जप करते हैं वो माला आपके गले में पड़ी है, आपका मंत्र जाप और परमात्मा रक्षक होता है। आपका ये फिजिकल शरीर इतना ठोस नहीं है, फिजिकल जगत इतना ठोस नहीं है जितना आदि दैविक दुनिया ठोस है, और आदि दैविक से भी ज़्यादा प्रभावित आध्यात्मिक तत्व है। आपके इतना ये मोटा शरीर, लेकिन उसको ड्राइव कौन करता है, मन। रेलवे की इतनी बड़ी मुसाफरों की लाइन और कई सैकड़ों टन बोझा उठाकर रेलवे भाग रही, किस एक रेलवे इंजन के ड्राइवर के मन में जैसा संकल्प होता है ऐसी स्पीड होती है, क्या ख्याल है। तो संकल्प
इतने इतने टन लेकर भाग रहा है, इतने इतने पैसेंजर लेकर भाग रहा है। अभी किसी का संकल्प इतना पंडाल बड़ा और इतना ये बन गया, तो व्यक्ति तो बड़े दिखते, संकल्प छोटा दिखता है, लेकिन संकल्प का पावर ज्यादा होता है। जैसे पानी है उसको बाष्प बना दो, स्टीम बना दो, तो एक बूंद पानी का जो स्टीम बनता है वो 1300 गुनी ताकत रखता है। ऐसे आप मन जप करते हैं तो आपके मन में एक आध्यात्मिक ओरा बनता है जो आपके एक स्थूल शरीर ने हजारों शरीरों को स्वास्थ्य दे सकता है, हजारों शरीरों को शांति दे सकता है, हजारों शरीरों को सद्मुक्ति दे सकता है, हजारों शरीरों को दोष निकाल कर निर्दोष नारायण से मिला सकता है। संत के वचन में इतनी ताकत कहाँ से आती है? बोले नर को धारणी शक्ति भगवान के काम करती है ना। जैसे पानी से अंगूर बन सकता है, तो इस जीवात्मा के शुभ ध्यान भजन से परमात्मा का सामर्थ्य हजारों लोगों में अपना सद्गुण क्यों नहीं भर सकता है? अभी भर रहा है, आपकी बैटरी चार्ज हो रही है। बोलो इनकार करो तो उठ के रवाना हो जाओ, बैटरी चार्ज हो रही है, सद्गुण बढ़ रहे हैं, पाप शमन हो रहे हैं, बुरे विचार नाश हो रहे हैं, दब रहे हैं, अच्छे विचार भर रहे हैं। एक ही व्यक्ति के द्वारा तो रहा है। छठी शक्ति है गुरु मंत्र जपने से प्रारब्ध दोष निवारणी, मेटत कठिन कु अंक भालके। भगवान नाम गुरु मंत्र जपने से आपके भाग्य की रेखाएं बदल जाएगी, पाप वासना का क्षय होगा, आसुरी स्वभाव और पाशवी वासनाएं शांत होने लगेगी, आप में नम्रता सज्जनता और रसीलापन आएगा। जिन्होंने मंत्र दीक्षा ली है, मैंने 2 महीने 4 महीने भजन किया है, जप किया है, उनके घर जाओ, कई ऐसे गरीब लोग भी मिलेंगे और अमीर भी मिलेंगे, बड़े बड़े मंत्री और उद्योगपति भी मिलेंगे दीक्षा वाले, और एक साधारण छोटे से पियून लेवल के लोग भी मिलेंगे। लेकिन उनके घर में जाओगे तो निगुरे के घर में धन दौलत का दिखावा होगा, अंदर का रस नहीं होगा। लेकिन सगुरा अगर अमीर है तो भी नम्र है और रस वाला है, और भक्त का घर अगर गरीब है तो भी उसके व्यवहार में जो रस मिलता है वो अब भक्त के घर में नहीं मिलेगा। जब जाने वाले को रस मिलता है तो उसके घर में अपने हृदय में रस है, तभी तो मिलता है ना। तो आपके हृदय को भगवान नाम से रसीला बनाओ, प्रारब्ध दोष निवारणी शक्ति आपकी जागृत होगी। सातवीं शक्ति है सर्व अपराध भंजनी, चाहे तुमने कितने जन्मों में क्या क्या आपके कर्म हैं और अभी न जाने आप क्या क्या योनि में जाने वाले हैं, लेकिन भगवान के जप का आश्रय लो तो आने वाली नीच योनियों से तो आपकी मुक्ति हो जाएगी, और वर्तमान में भी आपकी अपराध वृत्ति की जगह पर सेवा वृत्ति, भजन वृत्ति और नम्रता वृत्ति हो जाएगी। श्यामदास महाराज जंगल में घूमते घूमते रात्रि को शौक से आगे निकले तो टिमटिमाते दिए और जगमगाती उन ज्योतियों और दियों के बीच कुछ शराब की प्यालियां और कुछ कबाब की प्लेटें अजगैबीरीत से उड़ती हुई जा रही है। श्यामदास महाराज मनोबल के धनी थे, जप और साधना का खजाना था। आगे चलते देखते गए तो 2 अजगैबी आत्माएं छायाएं आ गई। हा, जिंदा मनुष्य यहां कैसे पहुंचा है? बोले क्या बात है? बोले भय नहीं लगता। बोले भय किस बात का? निर्भय आत्मा है और संसार की परिस्थिति तो भगवान का खेल है। चलो हमारे मुखिया के पास। बोले चलो। मुखिया के पास गए तो दूल गद्दी पे बैठा और अपने शराब में आउट था। ऐ जिंदा इंसान तू यहां कैसे पहुंचा? हमारी छाया देखकर लोग हार फैल हो जाते हैं। हमारा एक परछाया लोगों को मौत के मुंह में उतार देता है, तुझे भय नहीं लगता? बोले मुझे गुरु ने मंत्र दिया, मैं जप करके मंत्र के देवता और मंत्र के कील को हटाकर मंत्र के रहस्य में आत्मा में जग गया हूं, मुझे भय नहीं लगता। अच्छा हम कौन है ए बाबा महाराज, तुम बताओगे? बोले हाँ,
आप प्रेतों के मुखिया जैसे लगते हैं। ठीक जानते हो। तो ये मजलिस किस बात की है मुखिया जी? बोले कल मेरी बेटी की शादी है। तो मुरतिया कौन है जमाई? बोले नवल शाह, जिस नगर से तुम चले थे ना सैर करने को, अभी तो कोसों दूर हो गया, तुम गजब के लोखंडी पुरुष हो। उसका बेटा साकलचंद, हराम के पैसे बाप ने जमा किए, गरीबों पर ब्याज और नमो अरिहंता नाम नमो सिद्धा नाम, ऊपर से मंत्र और भीतर से काटा काटी चंत्र। ऐसा सगालचंद से नवल शाह का बेटा सगालचंद हराम के पैसे, शराब, कबाब और वैश्याओं की दोस्ती, अकाल टीबी थर्ड तीसरे नंबर में, कल शाम को मरेगा और वो प्रेत बनेगा। अब बड़े सेठ का प्रेत आत्मा हमारे बड़े मुखिया की लड़की से शादी होगी। हा 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 हा। महात्मा ने कदम पीछे को रखे, जल्दी चलते चलते, कल शाम तक का मामला है, हम बाजी संवार लेंगे। नवल शाह का पूछा, बोले रहता है यहां। उसका बेटा साकलचंद है, बोले एकलौता बेटा और बीमार पड़ा है महाराज। सच्ची बात महाराज, गए, तेरा बेटा साकलचंद है, तेरा नाम नवल शाह है, बेटे को टीबी है। बोले महाराज आप भगवान है अंतर्यामी? बोले नहीं अंतर्यामी तो इस विषय में नहीं हूँ, लेकिन अब एक काम करो। बोले महाराज कुछ भी करो, मैं आपका मंदिर बनवा दूंगा, आपको लाखों रुपया दे दूंगा। बोले नहीं नहीं तुझ कंजूस के पैसे पहले अच्छे काम में नहीं लगे तो अब क्या मैं लगा के करूंगा? मुझे न मंदिर बनाना है न कंजूस शोषक के पैसों से मुझे कोई आश्रम बनाना है, मुझे तेरे बेटे का सदगति करना है। बेटा हाथ पैर धो ले, आप लोग बाहर चले जाओ, बाएं कान में उंगली डाल दे, श्वास जा रहा है देखो, ओम आ रहा है तो गिनो, 5-25 बार गिनवाया। ओम पापनाशिनी शक्ति नरको धारिणी शक्ति करता है। फिर धीरे से गुरु मंत्र दे दिया, बोले बेटा जपो, अब तो जो होनी है तेरी गाड़ी एकदम जहां पहुंचेगी पहुंचेगी, लेकिन तू कुछ और जगह पहुंचेगा, क्योंकि और जगह वाले का मैंने तेरे साथ कनेक्शन कर दिया है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट जोड़ दिए हैं। प्रीतिपूर्वक जपता जा। महाराज तो चले गए, होनी थी सो होई, लेकिन फिर महाराज चलते चलते पहुंचे उस प्रेत राज के पास, तो देखा कि सब उल्टे पड़े हैं, सब नशे में चूर और बद्दे हालत में, मुंह उतरा हुआ। महाराज ने कहा हे प्रेत राज, हे मुखिया, बोले इस समय तो शादी होना था, क्या बात है? बोले तुमने सब चौपट कर दिया। वो मरा लेकिन प्रेत नहीं बना, उसकी गति नरको धारणी गति का मंत्र दे देते, इसीलिए हमको मना थी साधु बाबाओं के आगे पेट नहीं खोलना, लेकिन हम भोले पड़े, ये जो की त्यों रह गई कुंवारी, और वो हरामी प्रेत बनने से बच गया। अच्छा महाराज अब जाओ। महाराज ने कहा राम राम। बोले ऐसा न कहो, हमको पीड़ा होती है, तो भगवान के नाम से दुष्ट आत्माओं को पीड़ा होती है, सज्जन आत्माओं को शांति भी तो मिलती है। इस प्रकार सर्व अपराध भंजनी शक्ति भगवान नाम से जागृत होती है। आठवीं शक्ति है कर्म संपूर्ति कारिणी शक्ति। जो भगवान नाम जप करते हैं वो कोई आयोजन करे तो उनके आयोजन बिल्कुल निर्विघ्न समाप्त हो जाएंगे, निर्विघ्न उनके आयोजन पूर्ण हो जाएंगे। हमारे सत्संग आज तक कोई विफल नहीं गया, उसके पीछे एक रहस्य है। मैं सत्संग की तारीख निगुरे लोगों को नहीं देता हूँ। जिसने मेरे से अथवा किसी संत से मंत्र दीक्षा ली है, थोड़ी बहुत साधना की है, वो चाहे छोटे छोटे लोग हों, उनको भी मैं तारीख दे देता हूँ सत्संग की,
और पहली बार बेलगांव में सगुरे लोगों को सत्संग की तारीख मिली, कार्यक्रम सफल गया। बारिश थी तब थी, लेकिन कार्यक्रम के समय में बारिश ने रियायत की और आपने आनंद लिया और समिति वालों को पुण्य और यश मिला। ये प्रत्यक्ष है सर्व कार्य कर्म पूर्ति कारिणी शक्ति, सारे का सत्कर्मों को सफल करने की भगवती शक्ति आपके द्वारा काम करने लगेगी। ऐसा कौन है जो अच्छे काम में सफलता नहीं चाहता है? अगर आप सफलता चाहते तभी भी भगवान नाम और कर्म संपूर्ति सर्वदोष नाशिनी मुक्ति चाहते हैं, आयु आरोग्य पुष्टि चाहते हैं, पाप नाश चाहते हैं, व्यक्तिगत जीवन का विकास, सामाजिक जीवन में सम्मान चाहते हैं तभी भी, और पांच शरीरों की शुद्धि चाहते हैं तभी भी, 72,000 नाड़ियों में भगवान के ओज तेज का कृपा चाहते तभी भी, और कुछ नहीं चाहते और फिर जब करते हैं तो आपके हृदय में भगवान यूं प्रकट हो जाएंगे, देर भी नहीं लगेगी। भगवान का नाम भगवान से कम नहीं। राम न सके नाम गुण गाई, भगवान भी अपने नाम की महिमा का पूरा बयान नहीं कर सकते। जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुराने घास। भगवान नाम जपने वाले को नवमी शक्ति, सर्व वेद तीर्थ आदिक फलदायिनी शक्ति, चार वेद पढ़े चार उपवेद पढ़े और चार धाम की यात्रा करे 64 तीर्थ करे, उससे जो फल मिलता है वही गुरु मंत्र की माला करने वाले को वही हृदय में फल, वही आनंद और शांति और प्रकाश मिलने लगता है। महाराष्ट्र में पंढरपुर है। अब पंढरपुर कैसे बना पता है? कि पुंडरीक कुक संत ने उपदेश दिया कि माता के अंदर छुपे हुए भगवान, पिता के अंदर छुपे हुए भगवान, सर्व तीर्थमयी माता सर्व देवमय पिता, और भगवान के नाम का सुमरण और उनकी तू सेवा कर, बस तेरे लिए वहीं हो जाएंगे। भगवान को ढूंढने क्या जाएगा, भगवान तो सर्वत्र है, केवल उनके सिद्धांत के अनुसार तू यात्रा कर तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। हाँ, पंढरपुर में पुंडलिक के आगे भगवान प्रकट हुए। पुंडलिक ने कहा थम्बा, जिस साधन पिता की सेवा से गुरु की आज्ञा मानने से तुम आए हो वो साधन अभी नहीं छोड़ूंगा। भगवान ठहरे ठहरे बोले, मैं तो थकला तो लो ईंट फेंक के दे दिया कि यहाँ उसके आश्रय बैठो, मैं आता ही है तू। आज भी लोग पंढरपुर तीर्थ करने जाते, पुंडलिक की ये साधना कैसी रही होगी। यहाँ भगवत शास्त्र कहते हैं सर्व वेद सर्व तीर्थ फलदायिनी शक्ति गुरु मंत्र जाप से पैदा होती है, सर्व अर्थदायिनी शक्ति आपकी जागृत होती है। आप अगर जप करते हैं, जैसे 1,25,000 जप कर दिया ओमकार का, तो ये केंद्र आपका विकसित हो जाएगा। अमुक जब शिव जी का किया तो आपका शिव तत्व का केंद्र जागृत हो जाएगा, विष्णु का जब किया तो वह केंद्र जागृत होगा। तो सर्व अर्थ दायिनी शक्ति, आप ज्यादा नहीं भी पढ़े हैं लेकिन आपका जब 1,25,000 सिद्ध हो गया, अमुक लाख जब सिद्ध हो गया, तो आप शास्त्र थोड़ा पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करने की आपकी शक्ति जग जाएगी। मैं तीसरी क्लास पढ़ा हूं स्कूल की जयराम जी, और मेरे आगे पीएचडी करने वाले लोगों को उनके साहब भेजते हैं कि बापू के पास जाओ और सुनो, आपको पीएचडी करना है तत्वज्ञान पर तो बापू के पास जाओ। एमए वाले हमारे आगे हाथ जोड़ के बैठे हैं, इधर भी बैठे होंगे, तो ये सब कहाँ से आया? तो आप नहीं पढ़ो ऐसा नहीं है, लेकिन आप पढ़ने में खप मत जाओ। पढ़ी 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 जग पढ़ो, लिखी लिखी क्या कीन, तुलसी हृदय रघुबीर न चीना तो बिरथा जन्म दीन। पढ़ पढ़ के लिख लिख के जान जान के खोपड़े में आपने इतना सारा भरा, लेकिन हृदय स्वर की सत्ता तो नहीं जानी। आप क्या है आपने जाना ही नहीं, आप कहाँ से आए आपको पता नहीं, आप कहाँ जाएंगे आपको कोई भरोसा नहीं। आप इतना सारा कर रहे आखिर क्या, कोई पता नहीं।
एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार, विण भूला एक गोरखा जिसको गुरु का आधार। गु माना अंधकार, रू माना प्रकाश, अंधकार मिटाकर आत्मा का प्रकाश कर दे, हल्के जीवन से उठाकर ऊंचे रसमय जीवन में ला दे, उसका नाम है गुरु और गुरु दीक्षा। तो सर्वा अर्थदायिनी शक्ति, आप जप और ध्यान करेंगे तो सारे विषयों के अर्थ और रहस्य समझ में आने लग जाएंगे। किसी भी बिजनेस का आदमी हो, मेरे से सलाह लेने को आता है और बिल्कुल खुशहाल होके जाता है। क्या ख्याल है बापूजी, मैं दुबई जाऊं कि नहीं जाऊं, अमेरिका जाऊं कि नहीं जाऊं, बापूजी मैं पीएचडी करूं, आईएएस हो जाऊं कि इंजीनियर हो जाऊं कि डॉक्टर हो जाऊं, और मैं बताता हूं लगभग मेरी बात मानने वाले फायदा उठाते। एक आया था, हम आईएएस कर रहा हूं, बापूजी आपका आशीर्वाद दो। मैं क्या तू छोड़ दे। बोले बापूजी मैं कलेक्टर होऊंगा, फिर इधर सेवा करूंगा, आश्रम का भी नाम करूंगा। मैं क्या तू छोड़ दे। नहीं छोड़ा, आखिरी में फेल हुआ, अभी ही आमलेट बेच रहा है। अरे भाई आईएसआईएस की डिग्री मिलती है, 2.5 लाख बच्चे हर साल एडमिट होते और 600 लोगों को कलेक्टर की पोस्ट खाली होगी तब दूसरे आएंगे ना, तो 600 कलेक्टर तो बदलते हैं, हर साल में 600 की पोस्टिंग होती है और 2.5 लाख धक्का धक्की करते, तो आखिर क्या होगा। ये तो बिल्कुल सीधा गणित है ना, इसमें मेरे को कोई छू मंतर नहीं करना पड़ता है। कोई ऐसा नहीं कि भाई मैंने ऐसा जादू मार दिया, ऐसा मैंने ये बात नहीं है, सीधा गणित है बिल्कुल। 2.5 लाख बच्चे एडमिट होते हर साल आईएएस का सपना देखते हुए, और हर साल 600 आईएएस ऑफिसरों की कुर्सियां खाली होती है, रिटायरमेंट होता है, तो बाकी के आईएएस क्या करेंगे, कोई आमलेट बेचेगा, तो कोई क्लार्क ही करता है, तो कोई कुछ करता है, तो कोई कुछ करेगा। तो डिग्रियों की अपेक्षा आपके हृदय का आभा खुलना चाहिए। तो सर्व अर्थदायिनी आपकी शक्ति जागृत होगी मंत्र जाप से। फिर 11वीं शक्ति है जगत आनंददायिनी शक्ति, आपके हृदय से छलकेगी। आप एक मीठी नजर से डाल दोगे तो जगत के लोगों को आनंद आने लगेगा, मानो वो फेविकोल की चादर लेकर तुम्हारे आगे बैठ जाएंगे, उनकी ताकत नहीं उठने की। ऐसे महात्मा को तुम देखा कभी जीवन में, देखा सुना? नहीं देखा तो आज ही देख लो, फेविकोल लेके आप बैठे हुए हो। जगत आनंददायिनी शक्ति भगवान की काम कर रही है, कौन उठता है? आ रहा है ना मजा, आनंद आ रहा है ना, जय राम जी बोलना पड़ेगा। ये 11वीं शक्ति है जप की। और 12वीं शक्ति है अगति गतिदायिनी, कोई मर रहा है और आपके जप की संख्या है और आपका ध्यान है तो उसके आगे आप बैठोगे तो उसको जमदूत नहीं ले जा सकते, वो नरक में नहीं जा सकता, उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। अगर अकाल मृत्यु है तो मरने की तैयारी वाला आदमी वापस जिंदा हो जाएगा, समझो। डॉक्टर ने कहा अब गया गया, अब नहीं जी सकता है, फिर भी जी लेगा। मेरी माँ को डॉक्टरों ने कहा कि 24 घंटे से ज़्यादा नहीं जी सकती, 86 साल की उम्र है, लीवर खराब है, किडनी खराब है, फलाना है, बैक पेन है, डिस्क प्रॉब्लम है। और मैंने मेरे वैद्य को भेजा कि अब डॉक्टर तो मना करते, तू जरा जा। तो मैं आपको सच बोलता हूँ, व्यासपीठ पर बैठे हुए कोई भी गंभीर बात, जॉक्स में तो जरा गप सप चल जाता है, वो तो सब लोग जानते हैं और हम भी बताते हैं कि भाई ये जॉक्स है या गप है। मैं बिल्कुल सीरियसली कह रहा हूँ, मेरी माँ 86 साल की थी और मैंने, हमारे जो वैद्य हैं, चल चिकित्सालय चलते हैं और स्थाई दवाखाने चलते हैं, उन सब को देखने वाले मुख्य वैद्य को मैंने भेजा। मैं कहा तू जरा देखो, हमारी माँ का महिला आश्रम में है, तुम कुछ करो। तो इतना सा मुँह लेके आया, बोले बापू नाड़ी विपरीत चाल है, अर्थात अब ऐसी नाड़ी वाला मरीज सब वेदों वैद्यों से घिरा हो तभी भी नहीं जी सकता है। मैं आपको सच बताता हूँ, मेरी माँ मेरे को बेटा करके तो पाला पोषा, लेकिन जब हम गुरु के शरण गए उसके बाद मेरे को बेटा नहीं मानती थी, भगवान मानती थी, गुरु मानती थी। मेरी माँ की मेरे प्रति बड़ी श्रद्धा थी, अपने बेटे को बेटा जिसको दूध पिलाया, जिसका शरीर धोलाया, नाक पहुँची उसमें भगवत बुद्धि करना कैसी श्रद्धा है।
आज का आदमी बोलेगा अंधश्रद्धा है, लेकिन ऐसी श्रद्धा तो भगवान कपिल की माँ देवहूति ने की थी और आशाराम की माँ मेघिबा ने की। कई लाख वर्ष के बाद ये घटना धरती पे घटी। मैं गया तो मेरी बीमार माँ ने श्रद्धा से हाथ जोड़े, मैं कह बोले अब छुट्टी दो नहीं जाऊँ। मैंने उसकी श्रद्धा का फायदा उठाया, मैंने अपना मुंह बनाया फकीराबाद का। मैं क्या क्या जाऊँ जाऊँ, बोले देखो भूख नहीं ये मोकल अड्यो। मैं कह नहीं तो बोले भैया, तो मैं क्या देखो मैं तुमको मंत्र देता हूँ और उस मंत्र से भगवान की दया होगी तुम ठीक होने लगोगे। मैं आपको सच बताता हूँ, मैंने उनको आरोग्य का मंत्र दे दिया और आरोग्य के मंत्र से आरोग्य के कण बनते और उसकी श्रद्धा तो कण और बनाती है। मैं आपको सच कहता हूँ, जिन डॉक्टरों ने बड़े बड़े डॉक्टरों ने कहा था कि 24 घंटे से ज़्यादा नहीं जी सकती, अब 24 में से 14 घंटे तो बीत गए, 10 घंटे की मेहमान, अब बाकी 6 घंटे की मेहमान उनके हिसाब से, और 6 घंटे में भी वैद्य इतना मुँह लेके आया। फिर मैं महिला आश्रम में गया, महिला आश्रम में हम नहीं जाते क्योंकि हम नहीं बनाया महिला आश्रम का नियम कि पुरुष यहाँ नहीं जाएंगे तो हम कैसे जाएं। तभी भी कभी कोई ज़रूरी काम होता है तो हम गाड़ी में जाते हैं और राउंड मार के बाहर आ जाते हैं। लेकिन अब माँ बीमार है तो हम गाड़ी से उतरे और माँ से बातचीत की। 300 महिलाएँ रहती है, बच्चियाँ हैं, महिलाएँ देवियाँ रहती, और उनमें से कोई कोई बच्चियाँ सत्संग करने भी जाती हैं। और भाइयों के आश्रम में 300-400 साधु रहते हैं और आश्रमों में भी रहते हैं। आप आताजुब नहीं करोगे, तीसरी पढ़ने वाले का इतना मैनेजमेंट बढ़िया हो रहा है, ये क्या है? सर्वार्थदायिनी भगवान की शक्ति काम नहीं कर रही क्या? सर्वतीर्थदायिनी भगवान की सत्ता काम नहीं कर रही है? मेरे माँ 6 घंटे में मरने वाली थी, वो धीरे धीरे रिकवरी चालू हुई। महाराज आपको क्या करूं, 6 घंटे तो क्या, 6 दिन तो क्या, 6 महीने तो क्या, 12 महीने हो गए, 13, 14, 15 और 18 महीने हो गए, 19 और 26 महीने हो गए। ओ बाप रे बाप। और धीरे धीरे ये पेन और ये लीवर बीवर किडनी बिडनी रिकवरी होते होते 93 साल की उम्र तक उसने अपने श्वास पूरे किए, और जब गई तो डॉक्टरों के हॉस्पिटल में नहीं गए, हमारे आश्रम में भगवत चिंतन करते करते दिल्ली के आश्रम से वो रवाना हुई। तो मानना पड़ेगा कि अगति गतिदायिनी शक्ति भी भगवान नाम से प्राप्त हो जाती है। वो तो अगति होकर मर रही थी, बीमारी के कारण जल्दी मर रही थी, और भगवान के नाम ने उसकी गति कर दी। अथवा कोई अगति माना प्रेत बनने को जा रहा है और श्यामदास महाराज ने उसको भगवान नाम देकर प्रेत योनि से बचा दिया, तो ये भगवान नाम की महिमा है। 13वीं शक्ति है मुक्ति प्रदायिनी शक्ति। मुक्ति प्रदायिनी शक्ति जिसके भगवान नाम की पूजा बढ़ गई है साधना, वो साधारण आदमियों को भी सत्संग के द्वारा, मंत्र दीक्षा के द्वारा भगवान के मुक्ति के रास्ते में बड़ी मदद कर सकते हैं महापुरुष लोग। इसलिए कहते तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। 14वीं शक्ति वैकुंठ लोकदायिनी शक्ति, वो भक्त को अपने अपने धाम में वैकुंठ आदि में भेज सकता है। और 15वीं शक्ति है भगवत प्रीतिदायिनी शक्ति, भगवान नाम बार बार जपते रहोगे दोष निवृत्त होते जाएंगे, पांचों शरीर शुद्ध होते जाएंगे, और आप फिर नाम लेते ही आपको आनंद आने लगेगा, आपको रस मिलने लगेगा। राजा जनक ने आयोजन किया कि प्रजा को खाना पीना रोटी कपड़ा सड़के ये तो सब ठीक है, लेकिन आखिर तो प्रजा मर जाएगी ना, शरीर तो मौत की डिपॉजिट है, लेकिन मौत जहाँ नहीं पहुँचती वो ज्ञान, और मौत के बाद भी प्रजा की सदगति हो ऐसा सत्संग दिलाना राजा का कर्तव्य है। जनक राजा जुग जुग जिए, कैसा प्रजा की सेवा खोज लिया। जनक राजा ने सत्संग का आयोजन करवाया। जब सत्संग शुरू होने जा रहा था तो सत्संग करने वाले त्रिकाल ज्ञानी अष्टावक्र मुनि थे। जहां सत्संग शुरू हो रहा है इतने में तो काला भयंकर
समझ गए होंगे। और ये सांप सांप भगदड़ मच गई। अष्टावक्र ने सांप को गौर से देखा, तनिक ध्यान किया, रुको उठना नहीं, करा कराया चौपट मत करना बेटे, बैठ जा बैठ जाना, हाँ ये सांप काटेगा नहीं, ये इसी मिथिला का राजा, आज से सातवीं पीढ़ी पहले का राजा आज है, अपना पाप नाश करके भगवत कथा से यहीं पर ही ये शरीर छोड़ेगा और देवताओं की गति को प्राप्त होगा, ये भी तुम्हें दर्शन हो जाएगा, रोज कथा में आना, आखिरी दिन इसकी सदगति यहीं होगी। लोगों को कौतूहल श्रद्धा, हे राम जी ऐसा त्रिभुवन में कौन है जो संत की आज्ञा का उल्लंघन करके सुखी रह सके, संत की आज्ञा उथापना क्यों। लोग बैठ गए, एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन ऐसे करते करते सातवां दिन सत्संग, राजा आज की सदगति की घड़िया आई, सत्संग पूर्ण होने जा रहा है। जिसका जैसा निमित्त होता है उसको मरते समय ऐसा ही प्रकृति कराती है, वो कुंडली मारा हुआ सांप बार बार सीधा होकर झपटता, बार बार सीधा होकर अपने को पटकता, 5-25 झटक पटक के बाद आखिरी श्वास भरा और जोरों से अपने को पटका, मुंह से खून की धार और एक ज्योत निकली, देखते देखते ज्योत ने देवता का रूप धारण किया। अष्टावक्र को देव पुरुष प्रणाम करते तो अष्टावक्र कहता है कि राजन मैं तो तुझे जानता हूं, लेकिन मेरे सत्संगियों को तू आप बीती जीवन गाथा सुना दे। तब वो देव पुरुष कहता है कि मैं इसी मिथिला का आज से सातवीं पीढ़ी पहले का राजा अज था, मरने के बाद यमराज ने मेरा हिसाब दिखवाया, 84 लाख योनियां तो एक के बाद एक बदलती रहती है, उनको जैसा प्रेरणा होती है जैसा जीते हैं, मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, वो मुक्ति के लिए कर्म करे तो मुक्ति पाए, स्वर्ग जाने के कर्म करे तो स्वर्ग जाए और पाप कर्म करे तो नरक जाए, मनुष्य है। बिल्ली एकादशी को चूहा झपेट लेगी तो उसे एकादशी के दिन का चूहा झपेटने का पाप नहीं लगेगा, लेकिन मनुष्य एकादशी के दिन चावल खाएगा तो उसे पाप लगेगा, क्योंकि मनुष्य स्वतंत्र है, चावल छोड़कर और चीज खा सकता है, चावल खाने से उसके स्वास्थ्य पर उसके मन पर दोष आए। एकादशी का व्रत रखेगा तो उसके रोग भी मिटेंगे पाप भी मिटेंगे, ये मनुष्य के पास ज्ञान है, बिल्ली के पास नहीं है। 84 लाख योनियों में ये शास्त्र नहीं है, केवल मनुष्य योनि के लिए है, इसलिए मनुष्य भगवान का दास भी बन सकता है, भगवान का सखा भी बन सकता है, भगवान का मित्र भी बन सकता है, भगवान की माँ भी बन सकता है, भगवान का बाप भी बन सकता है, और मनुष्य ही भगवान का गुरु बन जाता है। मनुष्य शरीर में कितनी योग्यताओं का संभावनाएं छुपी है। मैं अभागा निगुरा आदमी, गुरु का ज्ञान नहीं था, वाहवाही के लिए कुछ दिखावा कर लेता और खाना पीना मौज करना राजा अज। जब मर गया तो 1000 वर्ष तक मुझे अजगर डेंडू और सांप की योनि में भटकने का आदेश हुआ। मैंने अनुनय विनय किया, आजी ने जारी की तो यमराज ने कहा तुम्हारे घर में तुम्हारे कुल में तुम्हारा बेटा नहीं तो बेटे का बेटा अथवा उनका बेटा, वो बेटा नहीं तो बेटे का बेटा नहीं तो 30 का बेटा, 7 पीढ़ियों के अंदर कोई भी सच्चे ब्रह्मज्ञानी संत की जो आत्मा परमात्मा का ज्ञान का प्रकाश करा दे, ऐसे संत का सत्संग कराएगा, करने कराने में साझीदार होगा, तो तुम्हारी 7 पीढ़ियां नरकों से तर के स्वर्ग में चली जाएगी। मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरा बेटा नहीं तो उसका बेटे का बेटा और ब्रह्म ज्ञान भगवान की कथा भगवत ज्ञान का इतना भारी महिमा है। तो महाराज अगर मेरे कुल में ऐसा कोई कुल का दीपक ये कोई महापुरुष का सत्संग आयोजन करे कराए तो मुझे वो सत्संगियों के माहौल का दर्शन करने का इन पापी आँखों को पुण्य प्रदान करिए और इन पापी कानों को वाहवाही सुनकर अहंकार बढ़ाने वाले कानों को संत की वाणी भगवान को छू कर आती है, वो संत वाणी सुनकर मेरे पाप नष्ट हों, ऐसा माहौल देखने और सुनने का मुझ पर एक वरदान का तो आप दया कर सकते हैं महाराज।
यमराज प्रसन्न हुए, तथास्तु कहा। उनके वरदान से अष्टावक्र मुनि के हृदय में भी दया उभरी और मुझे सत्संग का अवसर मिला। इतने में पुण्यशील और सुशील नाम के दो पार्षद प्रकट हुए। बोले, महाराज हम गोपनीय रीत से काम करते, लेकिन आपके प्रभाव से हम चुप्पे रहे। अब हम साकार होकर आपसे प्रार्थना करते कि राजा अज्ज को आज्ञा दीजिए, हम इसे स्वर्ग ले जाएंगे। अष्टावक्र ने आज्ञा दी। जब तक दिखाई दे रहा था विमान, जनक हाथ जोड़कर खड़े थे। जब वो अदृश्य हुआ तो गुरु के चरणों में प्रणाम किया कि महाराज मुझे वो योग विद्या सिखाइए, मैं अपने पूर्वजों को स्वर्ग में जाकर देख आऊं जरा। गुरु जी ने योग विद्या सिखाई। उस जमाने में महीने दो महीने में सिद्धि होती होगी, तो अभी मैं आपको बताऊं तो 6 महीने में करना हो तो कर सकते हैं अपन। अभी का माहौल जरा हल्कट है, थोड़ा वाइब्रेशन जरा लो है, लेकिन ये है विद्या है। विदेश के लोगों को भी अनुभव होते और किताबें लिखते हैं, तो हमारे देश की तो विद्या है। विदेशी ले गए थोड़ी बहुत और बड़ा बड़ा अपने ढंग से टिप टाप किताब छपाते हैं, कैसा आप सूक्ष्म शरीर निकाल सकते हैं, यूँ कर सकते हैं। वो हमारे देश के योगियों से सीख गए, हम भी ये बता सकते। लेकिन उससे भी ज़्यादा हम तो आपको ये बताते कि आप यहाँ ये शरीर छोड़कर स्वर्ग में जाओ, उसके पहले आप जहाँ हो वहीं स्वर्गीय वातावरण हो जाए। अभी आपका घर भी स्वर्गीय सुख से भगवत नाम से पावन हो जाए और आपका हृदय भी। राजा जनक जब यमपुरी पहुँचे तो यमराज ने कहा, जनक तुमको मैं सीधा स्वर्ग में नहीं भेज सकता, तुम अविधि आए हो, मरकर नहीं आए हो, अनऑफिशियली आए हो, फिर भी तुमने कई लोगों के लिए सत्संग करवाया है और सच्चे संत की सेवा की है और उनके मंत्र के अनुसार तुम ध्यान करते करते भगवान में शांत होते हो, तो मैं तुमको युक्ति बताता हूँ। ऑफिसर के कानून में नहीं आता, तो ऑफिसर अगर राजी है और अपना आदमी है तो आइडिया बता देता कि फाइल वाया 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 करके ऐसे नक्शा पास करा दो, आर्किटेक्ट फलाने से आप नक्शा पास करा दो, इनकम टैक्स का बोले इतना भरवा दो, इतना ये करवा दो और इतना चाय पानी दे दो, छुट्टी हो गई। होता है कि नहीं होता है? सिविल हॉस्पिटल में बिल कम करना हो या इधर उधर, तो फलाने फलाने डॉक्टर हो जरा यूं हो जाता है। अगर जो जो डिपार्टमेंट है और वो आदमी आपके लिए स्मूथ है तो कोई ना कोई खिड़की मिल ही जाती है। क्या ख्याल है? सच्चा लगता है तो ऐसा बोलो, महाराष्ट्र है तो, बाकी के इधर के तो ऐसा करो, है ना? हाँ। तो यमराज प्रसन्न थे, मेहरबान थे, उन्होंने कहा सीधा स्वर्ग में नहीं, लेकिन तुम पहले यहाँ से उस रूट से निकल के नरक होते हुए फिर उधर से आप इधर को यूं टर्न लेना तो स्वर्ग पहुँच जाओगे, मेरे दो आदमी देता हूँ। राजा जनक निकले, जब नरक की विकराल रेंज में गए, हाय कष्ट, हाय पीड़ा, तोबा, ऐ सहा नहीं जाता। बोले क्या है? बोले महाराज पुण्य फलम इच्छन्ति पुण्यम न करोति मानवा, पुण्य का फल सुख तो चाहते हैं, पुण्य नहीं करते हैं यह हरामजादे लोग। पाप फलम न इच्छन्ति पापम करोति यत्नत, पाप का फल तो नहीं चाहते लेकिन पाप बड़े स्मूथ आइडिया से कर लेते। ऐसे लोगों की यहाँ घुटाई पिटाई धुलाई खुड़ाई होती है, कढ़ाई भड़ाई सब, 80 नरक है, रव रव नरक है, कुंभी पाक नरक है, भोग शरीर है, उनको बराबर पीड़ा सा है। इतने में वो नरक के जीव बोलते, जनक तुम्हारी जय जयकार हो, जुग जुग जियो, जनक तुम्हारा जय हो। जनक ने बोला क्या बात? बोले महाराज आपने साधना किया है, भगवान नाम बाहर से जपा और भीतर भी आपने जप के अर्थ में मन लगाया, आपकी ओरा आध्यात्मिक ओरा है, आपकी आँखों से सात्विक तत्व बरस रहा है, आपकी वाणी से और श्वासोश्वास से शांति जा रही है, लोगों के पाप मिट रहे हैं और उन्हें आपसे आपके दर्शन से सुख शांति मिल रही है। आप जनक के जमाने में
नारकीय जीवों को सुख शांति मिल रही, तो अभी भी तो नारकीय जीवन हम जी रहे हैं। किसी को पत्नी का प्रॉब्लम, तो किसी को पैसे का प्रॉब्लम, तो किसी को पेट का, तो किसी को घुटनों का, किसी को मुंह के छाले, तो किसी को पान मसाले की मुसीबत से बीमारी, किसी को कुछ, किसी को कुछ, महंगाई का भूत तो नरक सब जगह है। ऐसे नारके वातावरण में भी, डेढ़ दिन के सत्संग में भी, हमको नारके वातावरण में भी शांति और आनंद अगर इधर मिल सकता है बैलगांव में, तो फिर अगले जमाने में क्यों नहीं मिला होगा, जरा विचार करो। नारायण हरि, नारायण हरि। मैं आपको एक घटित घटना का सुनाता हूँ, आपने सुना होगा। भोपाल में गैस कंपनी का गैस लीकेज हुआ था और हजारों लोग मर गए थे। सरकारी दफ्तर ने 2200 लोग बताए, लेकिन वहाँ ऑफिसर जो काम कर रहे थे उन्होंने बताया 22,000 तो बाबा हमने गिने। और होशंगाबाद में इधर उधर, तो घटित घटना है कि ये जो गैस कंपनी थी शाहजहानाबाद और ग्रीन पार्क कॉलोनी, उसमें मंत्र दीक्षा कुछ दूसरे महात्मा से मंत्र लिए थे, कुछ मेरे साधक थे। वो कॉलोनी से 1 किलोमीटर का लगभग अंतर पूरा नहीं था। वहाँ गैस की कंपनी का गैस लीकेज हुआ, वहाँ कोई आदमी मरा नहीं और कोई को इफेक्ट नहीं हुई खास, लेकिन 8-10 किलोमीटर दूर हलालपुर में लोग सोते सोते श्वास लेकर उस कंपनी के गैस का हलाल हो गए, क्योंकि बिस्मिल्लाह हलाल किया है तो हलाल हो जा, प्रकृति कैसा कोप कर देती। तो यहाँ शास्त्र की बात आती है, जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना। जब आप सत्कर्म में जाते हो, सुमति के तरफ जाते हो, तो प्रकृति आपकी सुरक्षा करती है, मदद करती है। जब आप जिस किसी प्राणी को हलाल कर देते हो, तो कुदरत की भी हवा जिधर किधर से आकर आपको भी सोए सोए हलाल करके चली गई। नारायण हरि। हलालपुर के लोग स्टेशन पे, कई ऐसे लोग थे एकदम बेचारे गैस की हवा से हवा हो गए, कई अपंग हो गए, कई हवा हो गए, हजारों लोग। तो ये मंत्र जाप से आपदाएं टलती है, मंत्र जाप से दोष भी निर्मुक्त होते हैं।